हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो मैं आपको सिखाने वाला हूं लेडीज का वॉक, साड़ी वॉक सिखाने वाला हूं। एक बार एनिमेशन देखिए आप, तो ये पूरा का पूरा ये लेडीज का वॉक सिखाने वाला हूं आपको। अगर आपको ये एनिमेशन नहीं आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप जहां जहां मैं की लगाऊंगा वहां वहां पे आपको की लगाना है। ये शेप ट्यून के साथ मैं यहां पे काम करूंगा और बाकी नॉर्मल वैसा ही वॉक होगा जैसे मैंने पहले भी सिखाया है। अगर आप ये सीख जाओगे उसके बाद आप इसका क्वालिटी धीरे धीरे और अच्छा बना सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको बिना स्किप हुए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि जब आप स्किप करते हो ना तो मेरे चैनल का जो वॉचिंग टाइम है खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अपना चैनल ग्रोथ नहीं होता और हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता अगले वीडियो को बनाने के लिए। तो गाइज पूरा देखना वीडियो, आपको समझ आ जाएगा किस तरह मैंने ये वॉक साइकिल किया है। तो इसलिए कहता हूं मैं गाइस, अगर आप YouTube के लिए हॉरर स्टोरी, मोरल स्टोरी या बर्ड टाइप का स्टोरी बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको कैरेक्टर एनिमेशन सीखना है, उसके बाद कंपाइलिंग वाला वीडियो सीखना, तब जाके आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, मुफ्त रहता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है munish.mehta.528। आप मुझसे यहाँ भी बात कर सकते हैं, पर बेहतर रहेगा आप मुझसे कमेंट में बात करें, कमेंट में जल्दी रिप्लाई करता हूँ। गाइज लर्न एनिमेशन हिंदी का वेबसाइट जो है www.jiva.edu है, यहाँ से आप ऑनलाइन क्लासेस भी बाय कर सकते हैं, डेटा भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कॉपीराइट बैकग्राउंड और करेक्टर आपको मिलता है। जो भी आपको डेटा लेना है www.jiva.edu.com की वेबसाइट से ही लेना है। जब आप यहाँ से लेते हो तो हमारे पास आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं आता है। गाइज बाकी यहाँ पे लर्न एनिमेशन में एक एक करके सारे वीडियो आ रहे, जो भी पिछले वीडियो है सब यहाँ पे आएंगे और आने वाले टाइम पे हम और भी मजेदार कंटेंट लाएंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक अपना लेडीज का जो वॉक है वो कैसे करते हैं, साड़ी वाला वॉक। तो यहाँ पे भी मैंने पूरा का पूरा ये पूरा यहाँ पे करेक्टर लेके रखा हूँ, ये पूरा यहाँ पे एनिमेशन हो रहा है। तो किस तरह मैंने ये एनिमेशन किया ये मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे मैंने करेक्टर लेके रखा हूँ पहले, तो आपको बस क्या करना है, क्योंकि हम जब नॉर्मल वॉक करते हैं ना कोई भी करेक्टर का, अगर उसमें साड़ी नहीं पहनी होती है, तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। अगर नहीं देखा आपने तो पुराने वीडियो ज़रूर देखना, तब आपको समझ आएगा। वॉक वाला मैं प्रॉपर बता चुका हूँ, वॉक वाला मैं एनिमल पे जैसे हो गया ऊँट का वॉक हो गया, शेर का, जो शेर में रन हो गया। अगर आप शेर का रन सीख चुके हो तो आप कोई भी रन बना लोगे, अगर आप ऊँट का वॉक सीख चुके हो तो कोई भी एनिमल का वॉक बना सकते हो। वैसे ही मैंने ह्यूमन का भी वॉक बनाया, रन भी बनाया, बैक साइड से फ्रंट साइड से सारा चीज़ मैंने बना के रखा हूँ, पुराने वीडियो देखना। तो गाइस शुरू करने से पहले आपको पहले बता दूँ, अगर आप नए हो आपको पता नहीं है ग्राफिक कौन बनाता है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर बनाता है, बिकॉज ग्राफिक डिज़ाइनर का स्केचिंग अच्छा होता है। जैसे अपने 10K सब्सक्राइब कंप्लीट होते मैं लगातार ग्राफिक पे वीडियो लाऊंगा, उसके बाद पहले स्केचिंग पे, उसके बाद ग्राफिक पे। और यहाँ पे देखोगे ये जो करेक्टर है इसके अंदर जाता हूँ मैं प्रॉपर तरीके से, मैंने डिवाइड करके रखा है। बस डिवाइड यहाँ पे ऐसा करना है, मतलब रिग यहाँ पे ऐसा करना कि आपको फ्यूचर में, मतलब आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, मतलब आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम ना हो जब आप एनिमेशन करना चालू करोगे। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहला ध्यान यहाँ पे देना, कोई भी मतलब पहले तो पोज यही रखना है, ये वाला पोज रख लेना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पॉज कर सकते हो वीडियो को। तो पहले तो आपको यही वाला पूरा प्रॉपर तरीके से ये वाला शॉट बनाना है। तो यहाँ पे देखोगे मैंने ये जो पूरा पार्ट है ना किस तरह डिवाइड किया, ये मतलब देखने वाली चीज़ है। तो आप आराम से देखो किस तरह मैंने ये किया है। तो यहाँ पे देखोगे गाइज ये देखो, ये पूरा मेरा एक है, मतलब पूरा ड्राइंग एक है, और बाकी मेरा जो ये वाला है मैंने अलग अलग करके रखा हूँ। मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद एनिमेशन करता हूँ, ताकि आपको समझ तो आए पहले कि किस तरह मैंने डिवाइड किया है। बाकी गाइज कोई डाउट होता ना कॉमेंट करना, वरना आप इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में, मतलब टेलीग्राम में तो नहीं कर सकते हो, इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, और बाकी गूगल मीट में आके पूछ सकते हो। ये जो मैंने बाहर यहाँ पे लेके रखा ना, ये वाला जो ड्राइंग बना के रखा हूँ, इसके अंदर जाओगे तो देखोगे यहाँ पे ये मैंने प्रॉपर तरीके से ये अलग एक ऐसा ड्राइंग बनाया है। पर लेकिन इस ड्राइंग के अंदर भी, इस ड्राइंग के अंदर मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, इस ड्राइंग के अंदर मैंने इसको शेप में रखा हूँ, ये मैंने पूरा शेप में रखा है, एक बार देख लेना ध्यान से, ये पूरा शेप में रखा हूँ। मैं इसको नीचे से ऑफ करूंगा तो पूरा ये शेप बना है, ये अलग शेप बना ऊपर वाला, ये क्यों बना है ये आपको बाद में पता लगेगा, क्योंकि मैं इसमें शेप ट्विन देने वाला हूं। और जो ऊपर वाला देखोगे, जो ऊपर वाला जो यहाँ पे ये है, इस लेयर पे ये इतना सा शेप बना है, और दोनों का, ये दोनों का ड्राइंग है, यहाँ पे हम शेप ट्यून के साथ काम करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको अलग किया है, वैसे ही आपको अलग करना है। और बाकी गाइज ये जो और जो है ना यहाँ पे जो बाकी है यहाँ पे, ये मैंने इसी को ऐसा कॉपी करके ऐसा लगा दिया है यहाँ पे, और यहाँ से बस ऐसा रोटेट कर दिया यूँ, और इस पर यूँ चिपका दिया ऐसा। तो ये इस तरह मैंने बना के रखा ऐसा, ये एक ही सिंबल है, ये अलग अलग सिंबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक सिंबल के अंदर काम करूँगा ना फिर सारे सिंबल के अंदर काम हो जाएगा, मैं यही चाहता हूँ यहाँ पे।
तो यहाँ पे अब आप सोचोगे कि ये यहाँ पे डार्क कैसे किया है, क्योंकि अगर मैं एक को डार्क करूँगा तो सारे डार्क होंगे, बिकॉज अगर आप एक ग्राफिक के अंदर एक सिंबल के अंदर काम करते, अगर सेम सिंबल रहता तो उसी नाम के सारे सिंबल में सेम ड्रॉइंग चेंज होता, सेम कलर चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने अंदर जाके कलर चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, जो ये वाला सिंबल है इस सबका सिंबल का नाम एक ही, यहाँ पे देखोगे सिंबल सिक्स, और पीछे आता हूँ तो ये भी सिंबल सिक्स सबका एक ही है। अगर मैं इसका अंदर जाकर ड्राइंग चेंज करता हूँ तो सब जगह ड्राइंग चेंज होगा। इसके लिए क्या किया मैंने, जो ये वाला है जो आप यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक कलर टाइप का थोड़ा शेडो दिया, तो इसको मैंने यहाँ पे आके सिर्फ इसको टिंट किया हूँ। जैसे टिंट करता हूँ तो देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं इसको टिंट कर सकता हूँ जितना मेरे को चाहिए, वो कलर लेके यहाँ से टिंट कर दिया, तो ये देखो टिंट से इस तरह हो चुका है, पर ये ग्राफिक अभी भी एक ही है। तो इस तरह आप समझ आ चुका होगा आपको किस तरह ये सब एक ही ग्राफिक है, क्योंकि इसके अंदर मैं शेप ट्यून के साथ काम करूंगा। इस तरह आपको पहले से डिवाइड करना है, प्लानिंग करना होता है पहले एनिमेशन से पहले कि हम क्या करने वाले हैं आगे जाके। ये हो गया, और इसके बाद इसको मैं बंद करके रखता हूँ यहाँ से। इसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट है, पहले समझा रहा हूँ आपको किस तरह मैंने पार्ट को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे देखोगे आप, इसके अंदर जाके देखोगे आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, जो इतना सा ड्राइंग है, हो सकता है आपका साड़ी का ड्राइंग कुछ अलग से हो, बट आपको डिवाइड अच्छे से करना है। कोई डाउट रहता है तो गूगल मीट में आके मुझसे बात करना है, कोशिश करूंगा क्लियर करने की आपकी जो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखोगे जो ये वाला ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग तो मैंने बिल्कुल ऊपर ऊपर वाली लेयर पर रखा है, और बाकी जो ये जो पार्ट है ऊपर वाला पार्ट, आधा मैंने ऊपर काट दिया है और आधा मैंने नीचे यहाँ पे काट के रखा है, दोनों को डिवाइड करके रखा है, क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट ही मूव करना है। थोड़ा ज़्यादा से आप डिवाइड करके रखना, काटना थोड़ा ज़्यादा से रखना, ताकि यहाँ से आप इसको शेप ट्यून में काम कर सकूँ। तो इस पर यहाँ पे देखोगे ये अलग है, और जो ये जो मैंने बीच में पट्टी टाइप की लगा के रखी है, तो ये मेरा यहाँ पे, इसको मैं ऑन करता हूँ सब, तो यहाँ पे देखोगे जो ये छोटी सी ये पट्टी टाइप की, ये इसीलिए ताकि ये जो लाइन है इसको मैं छुपा सकूँ। कौन सी लाइन आपको मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये जो है पूरा का पूरा सिंबल, ये नीचे वाला सिंबल है, एक एक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको क्यों एक साथ जोड़ा है, क्योंकि जो नीचे वाला, नीचे वाले जो यहाँ पे जो ये वाला जो ड्राइंग है ना, ये वाला ड्राइंग है इसका, ये इसके नीचे तो ये वाला लाइन नज़र नहीं आ रहा, जो ये वाला लाइन है ये नज़र नहीं आ रहा है। कंट्रोल जेड करता हूँ, और मुझे ये वाला लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए, और मैंने ये लाइन इसीलिए रखा है क्योंकि जब आप शेप ट्विन देते हो ना, तो आपको प्रॉपर सब में पूरा लाइन होना चाहिए, तभी आप इसके साथ शेप ट्विन दे सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे लाइन ना हो और शेप ट्विन दो तो नहीं हो सकता है। तो इसके लिए मैंने लाइन दिया, और उसको छुपाने के लिए मैंने ये पट्टी टाइप की यहाँ पे डाली है, ये वाली पट्टी टाइप की इसके ऊपर डाली है, और इसको भी मैं शेप ट्विन के साथ मूव कर सकता हूँ, तो ऐसा लगता है ये जुड़ा है यहाँ से। और बाकी गाइज यहाँ पे डिवाइड किया हूँ इसको अलग, ये वाले पार्ट को मैं अलग किया हूँ, इसको मुझे शेप ट्यून के साथ खेलना है, और नीचे वाले पार्ट को भी अलग किया हूँ। ये अलग अलग लेयर पे, ऊपर पता लग रहा होगा आपको, अलग अलग लेयर पे डिवाइड हुआ, इसको भी मैंने अलग किया है। तो इस तरह मैंने इनको यहाँ पे अलग अलग किया। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका, कोई डाउट रहता फिर भी कॉमेंट कर देना, कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का। तो ये आपको समझ आ चुका है, यहाँ से मैंने ऑन कर देना, बस यही है, बाकी तो नॉर्मली वैसे ही होगा जैसे पहले पुराना वॉक है। और बाकी इसके अंदर जाता हूँ नीचे, जो इसने नीचे जो जूते पहने, जुतियाँ पहनी है, हम इसको जुतियाँ बोलते हैं हिंदी में। तो बाकी पता नहीं कि आप अगर नेपाल से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, या बंगाल से देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो उसको हम जुत्ती कहते हैं, इस वाले को। तो ये वाला जो ड्राइंग है, इस ड्राइंग के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैंने दो ड्राइंग और बना के रखी। ये पहला ड्राइंग देखो ये है, दूसरा ड्राइंग यहाँ से थोड़ा ऊपर है, तीसरा ड्राइंग ये है। मैं आप इसको वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो किस तरह ये ड्राइंग बनी है। ये ड्राइंग आपको क्रिएट करना है प्रॉपर तरीके से, आपका सूच के अकॉर्डिंग, जो उसने पहना, चाहे सैंडल पहनी है, चाहे कुछ पहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ड्राइंग बनानी है, और ये आप यूज़ करोगे वॉक पे। तो अब मैं बाहर आता हूँ, वैसे मैंने दूसरे पे भी रखा है, बट मैंने यहाँ पे जब ये पहला पोज बनाया ना, पहला पोज मैंने ऐसा बनाया, ये हाथ मैंने आगे रखा है, पीछे वाला हाथ मैं पीछे रखा हूँ, और बाकी वही है जैसे पुराना है। और बाकी यहाँ पे देखोगे जो ये जो पैर है, ये वाला पैर मैंने ऊपर करके रखा हूँ थोड़ा, ना कि ये नीचे, जो यहाँ पे यूज़ करोगे यूज़ फ्रेम, ये मैंने सेकेंड वाला फ्रेम लिया, थोड़ा उठा है ज़मीन से। और जो शुरू वाला है, शुरू वाला देखोगे तो इस तरह है, यानी कि यहाँ पे यूज़ फ्रेम में जाऊँगा तो ये वाला थर्ड वाला है, तो ये थोड़ा सा इस पोज में मैंने रखा है, आपको भी इस तरह रखना है। और याद रखना, जब भी आप जैसे किसी के सूच के अंदर जब मैं जाता हूँ, जो भी जुतियाँ पहनी है, तो यहाँ पे मैं सिंगल फ्रेम करके रखा हूँ, यहीं से मैं इसको कंट्रोल करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं आता हूँ अब काम पे, जो मेरा मेन काम है। तो काम पे आते हैं, किस तरह हमें करना है, नॉर्मली वैसे ही करना है जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 13 में आप आके F6 करूँगा, 13 में आके F6 करूँगा, F6 यहाँ पे पूरा F6 कर देना, और यहाँ पे आके 25 में भी F6 कर देना।
तो ऐसा हमने दो तीन जगह दो जगह F6 कर दिया 13 और 25 में, सेम वैसे जैसे पहले वाले में करते थे हम, ठीक है वो कर दिया मैंने। और इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे पहले क्लासेस ट्विन दे दो या बाद में क्लासेस ट्विन दे दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें उल्टा फुल्टा करेंगे हम, जैसे हम उसमें भी पाँव इधर उधर करते थे, बट इधर में यहाँ पे पूरा पाँव नज़र नहीं आ रहा है, साड़ी आ रही है, तो हम इसमें एडमिशन करेंगे। पहले तो मैं इसी को उठा के, आप चाहो तो यहाँ से रूलर्स लेके रख सकते हो कि कितना नीचे लाना है, तो मैंने यहाँ पे इतना रख लिया यहाँ पे, और ऊपर भी आप नॉर्मली ला सकते हो, बाद में मैं ऊपर भी रख लूँगा। तो इस वाले को मैं उठा के पहले बीच में आता हूँ 13 में, इस वाले को उठा के मैं आगे लाता हूँ यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे रखता हूँ, और इस वाले को उठा के पीछे लाता हूँ बैक ऐसा। तो मैंने इतना कर देना है पहले। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे आप अंदर जाओ पहले यहाँ पे की बदल के रखो, बाद में ये की थोड़ा आगे पीछे करना होगा वो बात की बात है। तो यहाँ पे भी आपने यूज़ फ्रेम किया, आपने ये वाला ड्राइंग को लिया और बाहर आए और इस वाले ड्राइंग को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया ऐसा, इस तरह उठा दिया ऐसा। और यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने इसके अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने F6 किया, और F6 करने के बाद यहाँ पे आया और इसको मैंने यहाँ पे ये वाला ड्राइंग दे दिया जो पहले था, वो वाला ड्राइंग दे दिया 2x2 वाला, और इसको भी थोड़ा सा इस तरह नीचे किया हूँ और इसको थोड़ा ऊपर करके रखा हूँ ऐसा, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा सा नीचे करना है ना, मामूली से ऊपर करना है। तो गाइज मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके से सिखाता हूँ क्योंकि मेरे 80% सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जिनको ड्राइंग नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत ड्राइंग तो करना होता है, बाकी आपको आ जाएगा सारा चीज़। तो मैंने इस तरह कर दिया पहला, और बाकी कोई कुछ और रहता है तो बाद में देखते हैं। तो इतना कर दिया, और इतना करने के बाद अभी हमें क्या करना है, हाथ को भी हमें आगे पीछे कर देना है। हाथ पे आए और हाथ को भी मैंने यहाँ से पीछे को इस तरह ले लिया, और इसके बाद मैं इस हाथ के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने F6 करना है आगे, मैंने 25 पे भी जाके F6 करना है, और F6 करने के बाद राइटली करके क्लासिक ट्विन दिया और इसको थोड़ा सा पीछे की ओर किया, और इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे भी F6 करता हूँ हाथ पे, और यहाँ पे भी F6 करता हूँ, और ये बाकी वैसा ही वॉक है जैसे हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इसको बस थोड़ा सा नीचे की ओर कर दिया ऐसा, और अब इसको थोड़ा पीछे की ओर कर दिया यूँ, और ये कर दिया मैंने। और बाकी जो इसके पीछे जो हाथ है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे आके इसको यहाँ पे इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके बाद पीछे वाला हाथ मेरा नज़र आ रहा है, और इसको मैंने हाथ को थोड़ा आगे कर दिया यूँ, ये हाथ को आगे कर दिया और इसके अंदर चला गया। इस हाथ के अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 कर दिया, और यहाँ पे भी F6 कर दिया, और यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट कर देना और राइट क्लिक किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और इसको भी थोड़ा सा आगे को रोटेट कर दिया यूँ, और इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने F6 किया और आगे जाके भी F6 किया 25 पे, और यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट किया, क्लासिक ट्विन दे दिया, और क्लासिक ट्विन देने के बाद इसको थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं इसको नीचे की ओर करता हूँ ऐसा ऐसा, मैंने नीचे की ओर कर दिया, और ये यहाँ से मेरा इतना एडमिशन हो चुका है। अब मैं बाहर आता हूँ, सबको यहाँ से ऑन कर देता हूँ, तो मेरा इतना सा एडमिशन हो चुका है। मैंने क्या करना, सबको यहाँ पे आके पहले क्लासिक ट्विन दे देना, मेरा इतना सा एडमिशन हो चुका है, क्लासिक ट्विन दे देना, तो मेरा अभी नॉर्मल इतना हुआ, आप देखोगे नॉर्मल मेरा ये वाला एडमिशन हुआ ऐसा, मुझे इतना सा एडमिशन करना, नॉर्मल सा एडमिशन कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे इतना एडमिशन करने के बाद ये जितना एडमिशन यहाँ पे हुआ है इतना कर देना नॉर्मल। तो आप चाहो तो यहाँ पे साड़ी पे और भी एडमिशन कर सकते हो, ये शेप ट्विन के साथ अंदर जाके मैं आपको नॉर्मल यहाँ पे सिखाऊंगा, मतलब इतना सिखाऊंगा कि वहाँ पे लग जाएगा कि वो चल रहा है नॉर्मल तरीके से, क्योंकि हमेशा मैं स्मार्ट तरीके से काम करता हूँ और स्टार्टिंग में हमेशा नॉर्मल सिखाता हूँ, उसके बाद अच्छे लेवल के आता हूँ, ठीक है। तो इतना मैंने कर दिया, ये अपना इतना कर लेना आपने नॉर्मल, और ये कर दिया यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं इतना ठीक है हाथ का। और अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ 7 पे आता हूँ, 7 पे जाके F6 कर देना, 7 पे 7 पे आके F6 कर देना, और 7 पे आके F6 कर दिया, और मैंने सबको पूरा पार्ट को खाली पैर के जो पैर है ना नीचे वो छोड़कर ऊपर की ओर कर दिया। थोड़ा मैं नज़दीक ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आए, थोड़ा मैंने ऊपर की ओर कर दिया ऐसा, थोड़ा अभी देख लेना पीछे से कितना ऊपर उठा है। तो यहाँ पे देखोगे कितना ऊपर उठा है, तो इतना ऊपर उठिए ऐसा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ऊपर उठाना है, यहाँ पे देखोगे इतना ऊपर उठिए, अगर आपको लगता है थोड़ा और ऊपर उठाना है तो आपको सबको सेलेक्ट करना है, फिर से थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए। तो इस तरह ये यहाँ पे करेक्टर इतना उठा है ऐसा, तो ये यहाँ पे देखोगे ऐसा ऊपर उठिए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा उठ गया, तो इतना मैंने थोड़ा नीचे कर दिया ऐसा, मैंने ऊपर उठा देना है ऐसा, और यहाँ से मैंने रूलर्स लेके रखा ताकि आगे 19 पे भी मुझे इतना उठाना है, और इतना रख लिया। और हेड को जो मैंने ये सब किया इसको सिलेक्ट किया हूँ, और पॉइंट को यहाँ पे लाया हूँ, और पॉइंट को थोड़ा नीचे लाता हूँ यहाँ पे,
और पॉइंट को यहाँ पे नीचे लाने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर दिया हेड को, मामूली से ऊपर करना है। और इसके बाद अब बारी आती है इसके जो मेन पार्ट है अपना एनिमेशन का। तो यहाँ पे पहले क्या करना है आपने, जैसे ही ये यहाँ से ऊपर की ओर होता है ना ऐसा, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा एनिमेशन होता है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एनिमेशन इसके अंदर कर लेता हूँ या किसी के अंदर भी कर लेता हूँ, चाहे आप इसके अंदर कर लो चाहे आप इसके अंदर कर लो। तो यहाँ पे पहले जो ये जो पैर है ना, जो पीछे जो पैर है, यहाँ से जो पैर उठेगा पीछे की ओर, जो जैसे ये वाला पैर है, ये पैर नीचे आएगा पहले। ये वाला ड्राइंग चेंज करता हूँ पहले, तो यहाँ पे मैं लगभग ये दो पैर ड्राइंग चेंज कर देता हूँ ये वाला। तो इसके अंदर चला गया, और इसके अंदर जाने के बाद मैंने यानी मैंने यहाँ पे दो पे आके यहाँ पे इसको यूज़ फ्रेम पे क्लिक किया, और यहाँ पे इसको नॉर्मल वाला सीधा वाला कर दिया यूज़। और इसके बाद ये यहाँ पे पैर आगे, यहाँ पे देखोगे इसके बाद पैर ये नीचे हो चुका, ये वाला पैर जो यहाँ पे है। और इसके बाद सेम यहाँ पे भी लगभग इसमें मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ ये वाला पैर को। तो इसके अंदर जाके, सॉरी काफ़ी अंदर चला गया, इसको मैं तीन पे करूँगा, अगला वाला भी आप तीन पे कर सकते हो। तो मैंने लगभग तीन या चार पे यहाँ पे मैंने इसको F6 कर दिया, और इसको मैंने नॉर्मल ये वाला ले लिया, और इसके बाद बाहर आया प्रॉपर। और इसको मैंने बस यहाँ पे आने के बाद इसको बस मैंने थोड़ा रोटेट कर देना ऐसा, और इसको मैंने ऊपर की ओर उठा देना ऐसा, इस तरह। तो ये क्या होगा, ये पैर यूँ ऊपर की ओर उठेगा ऐसा, ज़मीन से ऊपर की ओर उठेगा ऐसा। और थोड़ा सा मैंने इस पैर को यहाँ पे ला दिया ऐसा, तो ऐसे ये ऊपर की ओर उठेगा ज़मीन से। तो अभी क्या हुआ, ये पैर कैसे उठेगा एक बार देख लेना। तो पैर ये यूँ उठेगा ज़मीन से। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है ये जो पैर है यहाँ पे जब चेंज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, तो आप इसको और ऊपर की ओर रोटेट कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैं इसको और रोटेट करूँगा ऐसा, और थोड़ा सा ऊपर ला दूँगा ऐसा। तो ऐसा रोटेट कर देना, तो मेरा ये इतना सा काम हो चुका है, बाकी हम बाद में देखेंगे। इस तरह ये पैर उठा दिया ज़मीन से, तो इतना मैंने कर देना। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर जाके एनिमेशन करना है। तो पहले तो यहाँ पे जो एनिमेशन हो रहा है इसके अंदर जाता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखोगे जो मेरा पिछला वाला देखोगे यहाँ पे किस तरह, यहाँ पे मैं पैर उठाया हूँ, इसको क्लोज ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह ये पैर यहाँ से ऊपर उठा है, यहाँ पे बिल्कुल ही साथ पे आके ये इस तरह मुड़ा हुआ है। तो ये पूरा शेप ट्विन का काम है, यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे की लगा दिया इस पर, जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे पहले जो नीचे वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे मैंने नीचे वाले पार्ट पे यहाँ पे पूरा शेप ट्विन लगा दिया। शेप ट्विन लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको बंद कर सकता हूँ, और ऊपर मैंने ये वाले को भी बंद कर दिया, कौन सा अपना, जो यहाँ पे ये वाला जो ड्राइंग है इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर, यहाँ से ऑन कर दिया दोनों को। तो दोनों को मैंने एक्चुअली में यहाँ पे शेप ट्विन लगा देना, यहाँ पे F6 और आगे भी F6। यहाँ पे मैं इसको आगे तक नहीं रखा हूँ, 13-25 तक नहीं रखा हूँ, क्योंकि ये रिपीट होगा बाद में, आपको मैं बता दूंगा कैसे किया है। और इतना करने के बाद यहाँ पे भी शेप ट्यून लगा देना है, और शेप ट्यून लगा दिया। अब मुझे बस यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा शेप ट्यून में अगर बिगड़ जाएगा ना, कंट्रोल जेड करना है, फिर उसके बाद दोबारा इस तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं इन सबको भी मैं ऊपर इस तरह करके रखता हूँ ताकि नज़र आए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको थोड़ा अंदर की ओर करना है, यूँ ऐसा अंदर की ओर, आप देखोगे ये इस तरह अंदर की ओर हो चुका है ऐसा। और यहाँ पे आया, थोड़ा इसको ऊपर की ओर उठा दिया ऐसा, इस तरह। फिर एक बार देख लेना कि बिगड़ तो नहीं रहा, कंट्रोल जेड कर देना अगर बिगड़ रहा है। तो इस तरह मैंने अंदर की ओर ले लिया ऐसा, इतना, और थोड़ा सा मैंने ऊपर की ओर उठा दिया। आराम आराम से करना, क्योंकि ये पूरा शेप ट्यून का काम है, तो यहाँ पे आराम आराम से होगा। तो ऐसा मैंने उठाया, तो देखोगे ऊपर थोड़ा सा इतना उठा है, इसको मैं ऑन करके रखता हूँ यहाँ से, इसी को उठा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। फिर यहाँ पे देख लेना एक बार कितना उठा है, इस तरह। इस तरह मैंने थोड़ा टेढ़ा किया, और उसके बाद जो नीचे वाला है उसके साथ भी एनिमेशन कर रहा हूँ। तो इसको ऊपर उठाया, अगर कभी बिगड़ जाए ना, तो आपको बस उसको दोबारा कंट्रोल जेड करके वापस उस तरह लाना है। तो मैंने इस तरह कर दिया, ऊपर की ओर उठाया, तो ये इतना ऊपर की ओर उठाया ऐसा,
तो मैंने ऐसा ऊपर की ओर उठा दिया यूं, और इसको इस तरह अंदर की ओर इतना किया, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह इसको रोटेट कर दिया यूं। अगर आप यहाँ से यूं निकालोगे तो बस यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन यहाँ पे बिगड़ना नहीं चाहिए, वो आपको देखना है खाली। इसको आराम आराम से आपको इस तरह करना है। इस तरह मैंने कर दिया थोड़ा, इतना हो गया, ठीक है। ये नॉर्मल सा मैंने इसको उठाया, ज़्यादा भी ऊपर नहीं उठा रहा, इतना सा उठाया हूँ। अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऑन करता हूँ ना, ऊपर वाले को भी ऑन करता हूँ, तो ये अभी इस तरह ज़मीन से यूँ उठाए, इतना यूँ उठाए यहाँ पे खाली। ये ज़मीन से कितना उठाए, यहाँ से लेकर ऊपर यहाँ पे इतना। अगर मैं चाहूँ तो इसको मुझे और उठाना है तो मैं इसको और उठा सकता हूँ। तो इसको मुझे खाली यहाँ से ही कंट्रोल करना है, आराम आराम से करना है। अगर आपको लगता है कि ख़राब होता है तो आप उसको कंट्रोल जेड कर देना फिर दोबारा। अगर आपको लगता है कि वो एनिमेशन बिगड़ रहा है तो वापस कंट्रोल जेड किया, दोनों को यहाँ पे फिर से ऑन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पे लाइन के साथ खेलना है। तो बस इसको आराम से अंदर की ओर थोड़ा, और यहाँ पे भी मैं इसको ऊपर की ओर उठाता हूँ, तो मैंने इतना उठा दिया यहाँ पे। ये पूरा पट्टा टाइप का है तो यहाँ पे पूरा इसको छुपा देगा, ऐसा लगेगा कि इसने ऊपर की ओर उठाया है। तो यहाँ से ये ऊपर की ओर यूँ उठेगा यहाँ पे, ऐसा इतना हो गया। और यहाँ से मैंने इसको जो मेरा पिछड़ा वाला जो ड्राइंग होती देखोगे ना आप, इस तरह वो मुड़ा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करना है, इस वाले को जितना हो सके उतना उसको नीचे की ओर यूँ रोटेट कर देना। बस एक बार ज़रूर देखना कि एनिमेशन बिगड़े ना, ठीक है। जब वो नीचे की ओर जा रहा है यूँ, यहाँ से इसको इस तरह करते रहना। इस तरह मैंने इसको यूँ कर दिया इतना, तो यहाँ से इतना सा रोटेट हो चुका है ऐसा। और बाकी मैं यहाँ पे इसको इस वाले को यहाँ पे इसको अटैच कर दूँगा, और यहाँ पे इसको आते ही यहाँ पे आ जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इस तरफ रख लूँगा ऐसा, अगर कुछ बिगड़ता है ना तो कंट्रोल जेड ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी शेप ट्यून गड़बड़ हो जाता है इधर उधर। तो मैंने यहाँ से इस तरह ऊपर की ओर किया यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सा नीचे लाया, इसको मैं अंदर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अंदर हो चुका है ऐसा। इतना हो चुका है, थोड़ा आराम आराम से करना है, क्योंकि हर चीज़ को आराम आराम से करोगे तो ठीक होगा। तो हमने इस तरह कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे, और इसको भी ऑन करता हूँ, तो अपना जो एनिमेशन होगा ये इस तरह हो जाएगा यूँ, ज़मीन से जो उठाएगा ये इस तरह उठाएगा। बाकी आपको यहाँ पे अभी थोड़ा और काम करना है, तो हम यहाँ पे काम करेंगे अभी, तो बाद में मतलब बाद में भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पहले ही कर लेना। अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा तो यहाँ से ये आप चाहो तो नज़दीक जाके इस तरह काम कर सकते हो, थोड़ा सा इसको अंदर की ओर रोटेट कर सकते हो यहाँ पे, अंदर की ओर मतलब उसको मोड़ सकते हो थोड़ा सा। तो मैंने इतना सा कर दिया, और यहाँ पे वैसे भी वो नज़र नहीं आ रहा है, तो मैंने खाली यहाँ से ऊपर उठा दिया यूँ, ये यहाँ से यूँ उठ गया, ठीक है, इतना सा उठ गया।
और इसके बाद मैं यहाँ पे अभी इतना ही करता हूँ यहाँ पे कि खाली वो ज़मीन से यहाँ पे आके ये ऊपर उठाए खाली इतना, और यहाँ पे नॉर्मली जैसे ये यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगता है तो मैं अंदर जाऊँगा पहले, यहाँ पे भी मैं एक एडमिशन कर दूँगा, किस पे, इस पे और नीचे वाले पे, दोनों पे मैंने शेप ट्यून दे देना। शेप ट्यून देने के बाद बाकी आप बाद में भी सेट कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको बाहर की ओर निकाल दिया ऐसा, और इसको मैं बाद में भी दे सकता हूँ क्योंकि मुझे पहले इस वाले का एनिमेशन करूँगा ना बार वाला, तो बाद में भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ किस तरह किया हूँ। पहले इस वाले को पहले ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ, कौन से जो बीच में एक बैच पैच टाइप का दिया ये वाला, तो इसको मैं बंद करके रखता हूँ लॉक, और यहाँ से मैं इसको बस नीचे वाला यहाँ उसको नीचे लाता हूँ, देखता हूँ पहले शेप ट्यून बिगड़े ना, तो यहाँ पर इस तरह ला दिए, ऊपर वाला पार्ट है याद रखना, ऊपर वाला पार्ट है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा बाहर निकाला हूँ और यहाँ से और नीचे किया हूँ यूँ, और इसको यहाँ से बाहर निकाला हूँ ऐसा। तो पहले मुझे देख भी लेना साथ साथ में किस तरह एनिमेशन हुआ है, तो यहाँ से इस तरह ये बाहर की ओर निकला ऐसा इतना, और थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ ऐसा, तो ये इतना हो जाता है ऐसा, तो यहाँ पे ये इस तरह बाहर की ओर निकल रहा है। बाकी कुछ प्रॉब्लम रहता है तो हम बाद में भी कर सकते हैं। अब जो ऊपर जो पैच बना है ना ड्राइंग, ये वाला ड्राइंग, इसको मैं यहाँ पे इस पर काम करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसको यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये आप देखोगे ये जो लाइन है इसके साथ मुझे इसको रखना है ऊपर वाले को, तो मैंने सबको बंद कर दिया, खाली इसी वाले को ऑन कर दिया। तो अब मुझे खाली जो ये वाली लेयर है, तो जो ये वाली जो ड्राइंग है पूरी की पूरी, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ये सबको लॉक कर देता हूँ। बस मैंने क्या करना है, इसको नीचे की ओर लाना है, यहाँ पे रखना है, और इसको यहाँ पे रखना है प्रॉपर। तो मैंने इसको इस तरह नीचे की ओर ला दिया ऐसा, और सेम मुझे यहाँ पे भी करना है, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम लग रहा है, तो इस तरह मैंने इस पर इतना कर दिया, और इसको मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, तो ये नीचे इतना हो चुका है यहाँ पे ऐसा। बाकी अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको शेप पर खेल सकूँ तो इस पर भी खेल सकता, मुझे थोड़ा सा अंदर कर सकता हूँ, अगर ये बिगड़ जाता है तो इसको कंट्रोल जेड करके फिर वापस हम अपनी जगह पे ला सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है, कभी कभी होता है, तो आप कंट्रोल जेड कर देना, और थोड़ा सा इसको बाहर की ओर निकाल दिया ऐसा, तो यहाँ पे अपना ये इतना सा काम हो चुका है ऐसा, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना ये यहाँ पे नज़र आने वाला बाहर, इस पर इग्नोर कर देना आप, ये मैं कर भी नहीं रहा हूँ बिकॉज ये बाहर वाले ड्राइंग के साथ यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी अपना काम कितना हुआ, ये यहाँ से इतना सा इतना उठाया। अब इसके अंदर जो इसका है इसका भी एनिमेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर जो जो भी आप पीछे देख रहे हो ना किस तरह ये यहाँ से उठा रहा है, किस तरह ये पूरा एनिमेशन हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से किस तरह हुआ ये मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, कि अब क्या करना अगला स्टेप। मैं इस वाले पे तो मैंने काम कर दिया है, अब मुझे क्या करना है, ये जो है ये वाला ड्राइंग इसके अंदर जाना, किसी एक के अंदर जाना पहले ये, तो यहाँ पे मैं मुझे क्लासिक ट्यून तो लगाना है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक पे जाना है, ये मान के चलो मैं एक ही सिंबल पे जाऊँगा तो सब जगह अंदर एडमिशन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 7 पे एफसिस करना है, और यहाँ पर एफसिस करना है, और यहाँ पर भी मैंने एफसिस करना है, और दोनों को मैंने शेप ट्यून दे देना है यहाँ पर, इसीलिए मैंने अलग अलग किया था ये, और यहाँ पे मैंने इतना शेप ट्यून दे दिया, यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैंने बस इसको एक एक करके करना है। आप चाहो तो इसको यहाँ से ऑन करके रख सकते हो, और बाकी कोई डाउट रहता है तो कमेंट कर लेना, और वरना इंस्टाग्राम में आके मैसेज कर सकते हो। तो इस तरह मैंने इसको टेढ़ा कर देना ऐसा, और यहाँ से मैंने इसको टेढ़ा कर देना जितना मेरे से जितना मुझे चाहिए उतना मैंने टेढ़ा कर दिया ऐसा ऐसा। तो ये यहाँ पर जब होगा ना ड्राॅइंग इस तरह होगा, ऊपर की ओर निकलेगा यूँ, और इतना मैंने कर दिया। और अगर मेरा जो ये पैर यहाँ से यूँ निकल रहा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि मेरा पैर यूँ निकल, एज निकालोगे ना ऑल्ट के साथ निकालोगे ना, पहले देख भी लेना कहीं वो टूट फूट ना जाए, तो एज के साथ मैंने इस तरह कर दिया, थोड़ा एज निकाल दिया, और तो मेरे मुताबिक यहाँ पर इतना हो चुका है ऐसा। और बाकी जो नीचे है, नीचे वाला जो ये वाला जो ड्राॅइंग है ये बिल्कुल नीचे वाला ड्राॅइंग है, तो इस वाले को मैंने यहाँ पर इस तरफ मूव किया ऐसा। तो आप एक बार ज़रूर देख लेना कि कहीं टूट फूट नहीं रहा है, अगर टूट फूट रहा है तो कंट्रोल जेड कर देना और फिर से देख लेना किस तरह करना है। तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट किया, तो यहाँ से देखा तो यहाँ पे भी ये बिगड़ रहा है नीचे वाला, तो इसको इस तरह कर दिया। अगर कहीं बिगड़ेगा ना तो पहले आप ड्राॅइंग ही यहाँ पर चेंज कर देना, यानी कि उसको पहले हटा देना यहाँ से और फिर से ड्राॅइंग बना देना अच्छे से, फिर आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पर भी मैं बिल्कुल नज़दीक गया, बिल्कुल ही नज़दीक गया यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा इस तरफ रोटेट किया, और एक बार ज़रूर देखना कहीं एनिमेशन बिगड़े ना, तो यहाँ पे नहीं बिगड़ रहा है। और इसको मैंने यहाँ पे
यहाँ पे आके मैं इसको थोड़ा आगे करता हूँ और एक बार देखता हूँ तो एनिमेशन यहाँ पे बिगड़ रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल जेड कर दिया वापस और नॉर्मली मैं इसको पहले इस तरफ करता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ करता हूँ। तो यहाँ पे पहले मुझे आराम आराम से काम करना है क्योंकि ये पूरा शेप ट्यून वाला काम है। तो इसको मैं इस तरह करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे एनिमेशन यहाँ पे इधर उधर हो रहा है, तो इसको मैंने अब यहीं से कंट्रोल कर देना है यहाँ से जितना हो सके पहले। तो यहाँ से किया तो यहाँ से ये हो रहा है इतना, तो ऐसा कर दिया। तो आप देख लेना अपने हिसाब से जो आपका ड्राइंग है। मैंने इसको इस तरफ किया, जहाँ पे बिगड़ेगा वैसे ही आपको कंट्रोल जेड कर देना, फिर से काम करना चालू करना। तो ये कर दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट कर दिया इस तरफ से, तो यहाँ से ये इस तरफ रोटेट हो चुका है ऐसा। तो ये कर दिया और थोड़ा सा बस यहाँ पे इसको भी मैंने ऐसा कर दिया, थोड़ा बाहर बाहर क्यों निकाल दिया। तो ये यहाँ पे यूँ हुआ है, अंदर बाहर इतना सा हुआ है ना। बस आपको ये देखना ध्यान कि एनिमेशन आपका बिगड़े ना, अगर आप एनिमेशन का बिगड़ता है तो आप उसको वापस वहाँ पे कंट्रोल जेड कर सकते हो, अगर कोई एनिमेशन बिगड़ता है। आराम आराम से करोगे तो कई बार बिगड़ता नहीं है, बस वो आपको आराम आराम से देखना होगा किस तरह हो रहा है। अगर मतलब बिगड़ रहा है तो सीधा कंट्रोल जेड कीजिए। ओके, तो इतना मैंने कर दिया। अभी मेरा जो यहाँ पे जो ये वाला जो एनिमेशन है प्रॉपर, ये मेरा बस यहाँ पे इतना हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ये इस तरह अंदर बाहर की ओर इस तरह झुका है, बस यहाँ पे इतना। तो ये यहाँ पे जो इस तरह हुआ है, अब पहले मुझे इतना मैंने कर दिया यहाँ पे, अब मुझे क्या करना है, इनको सबको मुझे एनिमेट करना है। तो मैं वो करूँगा, बीच में रखूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूँगा। तो वो मैं यहाँ पे की लगा दूँगा कितने पे, 13 पे, 13 पे की लगा दी और यहाँ पे आगे 25 पे की लगा दी, 25 पे की लगा दी। ये बाहर आके कर रहा हूँ, सीधा क्लासिक ट्विन दे देना, यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इसको पूरा बाहर से इसको अंदर की ओर रोटेट कर लेना ऐसा, और जो इसके अंदर है दूसरा इसको भी अंदर की ओर रोटेट कर देना। पॉइंट इसका ऊपर सेट है तो इसको अंदर की ओर रोटेट कर दिया ऐसा, और दूसरे वाले को यहाँ से भी इसको अंदर की ओर, सॉरी यहाँ से कंट्रोल जेड कीजिए, और पीछे वाले को मैंने आगे की ओर रोटेट किया यूँ, और इस वाले को भी मैंने आगे की ओर रोटेट किया यूँ इस तरह, थोड़ा सा इस तरह कर दिया। तो अभी देखोगे कैसा हुआ, तो ये यहाँ से इस तरह हुआ, यहाँ पे आप पीछे आगे की ओर आया यूँ, तो ये यहाँ पे इस तरह बैंड होता है। अब मैं बाहर आता हूँ, 7 पे आता हूँ, तो यहाँ पे 7 पे देखोगे पीछे, तो ये इस तरह यहाँ पे इस तरह हुआ है, मुड़ा है। तो अगर ये मतलब मेरे को लगता है कि काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नीचे, ये जो 7 पे यहाँ पे इतना होना था, यहाँ पे इस तरह आना था, तो आप उसको उस तरह यहाँ पे अपना ड्राइंग को शेप को बना सकते हो। अब मुझे लग रहा है काफ़ी अंदर है, तो मैं इसको यहाँ पे इतना करूँगा अंदर की ओर, थोड़ा अंदर की ओर किया, बस मैंने इसको कर्व ले लिया अच्छे से, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर किया यूँ। तो ये इस तरह हो चुका है ऐसा। तो मैं बाहर आता हूँ, बाहर प्रॉपर आऊँगा तो यहाँ पे देखूँगा किस तरह ये रोटेट हुआ ऐसा। तो ये रोटेट हो चुका है, और यहाँ पे अगर मेरा एनिमेशन नज़र नहीं आ रहा है, अगर मेरा एनिमेशन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है इस वाले पे, तो मैं इस वाले को मैं और ज़्यादा मूव करूँगा ताकि नज़र आए। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे इस वाले को और नीचे करना, पहले देख लेना एनिमेशन यहाँ पे बिगड़े ना, अगर बिगड़ता है कंट्रोल जेड ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑन किया, पहले ये देख लिया नीचे ऑन करके, नीचे खींच के, तो एक बार देखा तो यहाँ से और नीचे हो रहा है, और इसको काफ़ी बार और निकाला यहाँ से इस तरह, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखता हूँ, तो ये अपना इस तरफ इतना आ रहा है बाहर। अब मुझे क्या करना है, जो ये दूसरा वाला किया है ना, ये वाला ड्राइंग है, इसको ही मुझे नीचे की ओर खींचना है ऐसा, पूरा पूरा शेप ट्यून में हो रहा है गाइस। बस शेप ट्यून में एक बात का ध्यान रखना, वो बिगड़े ना, वैसे भी ये नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो इसको इतना रखेंगे नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर दूसरा ड्राइंग है। तो अभी आप क्या देखोगे, ये वाला भी एनिमेट होगा पीछे। तो ये कैसे एनिमेट होगा, ये आगे इस तरफ पाँव निकाल रही यूँ, तो यहाँ पर ये तिरछा हो रहा है बाकी ऐसा, तो ये हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर बस मुझे क्या करना है, यहाँ पर चला गया मैं, मुझे बस ये पूरा पूरा का पूरे इसको सेलेक्ट करना है ना, और पॉइंट को यहाँ पे लाना सेंटर पे,
इसको बस मैं थोड़ा सा अंदर की ओर भी कर देना, यूँ थोड़ा सा अंदर की ओर कर दिया, यहाँ पे आया तो यहाँ पे मेरा अब देखो कि एनिमेशन इस तरह हुआ है। तो यहाँ पे ये इस तरफ हुआ, इस तरफ पीछे की ओर आया यूँ, बस यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा ही बार आ गया, तो इसको मुझे बस थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है। ऐसा आपको मतलब देखो क्या होता है कि मैं प्रॉपर तरीके से, मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं आपको बता दूँ इस तरह करना है, बट आपको इस तरह थोड़ा सेटिंग करना होगा। थोड़ा नज़दीक गया और इसको अब मैंने अंदर की ओर कर दिया यूँ, फिर देख लेना कि कहीं कोई ड्राइंग यहाँ पे चेंज तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह मैंने इसको अंदर की ओर किया और इसको भी मैंने अंदर की ओर कर देना ऐसा। बाकी ये वाला ड्राइंग है, इस वाले को आप उठा के, ये तो नज़र में नहीं आएगा तो इतना छोड़ देना। तो अभी अपना कितना काम हुआ, ये यहाँ से इतना सा काम हुआ ऐसा, तो ये बिल्कुल सही है। और अब अगर जब मुझे इसको 19 पे दोबारा चाहिए ना, तो ये जो इसके अंदर जो एनिमेशन हुआ ना, ये पूरा का पूरा एनिमेशन लूप में चलता रहेगा वापस। तो बाकी कुछ रहता है तो बाद में भी देख सकते हैं। तो अभी ये इसने पैर यूँ उठाया, जैसे इसने पैर यहाँ से ज़मीन से, ये जो अभी मैं पैर पे आता हूँ नीचे, जैसे इसने यहाँ पे पैर ज़मीन से उठाया, ये यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे ड्राइंग बदल रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसको रोटेट करना है थोड़ा सा मामूली सा। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे जैसे यहाँ से ऊपर उठा रहा है ज़मीन, वेट, ज़मीन से ऊपर उठा रहा है, इस पैर को मैं थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ यहाँ पे, ताकि ये दिखे कि उठा हुआ। इसको मैंने ऐसा उठा हुआ ऊपर दिखा दिया, यहाँ से ये यूँ उठाएगा ऐसा, तो यूँ उठा दिया पैर। तो यहाँ से उठने के बाद जैसे आगे की ओर जाता है यूँ, तो लगभग मैंने यहाँ पे इतने पे ही ड्राइंग चेंज कर देना, ये वाला ड्राइंग पैर का 11 पे, कौन सा पिछले वाले पैर का। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इस ड्राइंग को पीछे ले जाना यहाँ पे 11 पे, और बाहर आया और ये ड्राइंग को यहाँ पे 11 पे ही चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे चेंज हो गया, और जो दूसरा ड्राइंग है ना, ये वाला ड्राइंग मैंने चेंज करना लगभग जब ये यहाँ से आता है इतने पे 11 पे, तो ये भी 11 पे चेंज कर सकता हूँ मैं, या फिर इसको आगे 12 पे आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे उसके बाद नॉर्मल तरीके से। तो मैंने यहाँ पे आया तो इस वाले पे जो आगे वाला पैर है, इस पे जाके डबल क्लिक किया, और ये जो की है मैंने यहाँ पे रखा था, इसकी को थोड़ा पीछे ला दो, 12 पे रख दो। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना है, इतना आगे आया और काफ़ी आगे निकला है पैर, इसको मुझे इतना रखना है यहाँ पे ऐसा, यूँ रखना है। और ये जो पैर है मेरा, ये मेरा पैर यहाँ से यूँ उठ कर आया, और यहाँ पे ये पैर, और अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि ये काफ़ी यहाँ से मतलब ऊपर हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा या तो इसको यहीं से नीचे कीजिए ऐसा, वरना इसके अंदर जाइए प्रॉपर तरीके से, इसको थोड़ा सा नीचे कीजिए ताकि अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे इस तरह कर दिया ऐसा, तो मैंने इतना सेट कर दिया यहाँ पे, और इसको मैं पीछे रखूँगा जैसे मैंने पीछे वाले पे रखा था ना फर्स्ट वाले की पे इतना, तो मुझे भी इतना ही रखना आगे। यहाँ से ये मुड़ सकता है शेप ट्विन में, अगर आप मुड़ना चाहो तो यहाँ पे नॉर्मल मैंने इतना रख लिया यहाँ पे पैर को, और इस पैर को मैं यहाँ पे इतना रख लिया पीछे, ये पीछे जो मुड़ रहा है ना वापस, जो अपनी जगह पे आ रहा है यहाँ पे, ये अपना लूप में आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लूप रखा ना, तो यहाँ पे इतना तो आ चुका, इससे आगे भी ऐसे ही वर्क करता रहेगा। तो ये यहाँ पे उठ के आगे आ गया पैर, और इस तरह यहाँ पे आ गया पैर इतना, और थोड़ा सा मैं ना इस वाले पैर को नॉर्मली इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मामूली से छोटा कर देता हूँ यहाँ पे, अगर करना है थोड़ा सा छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर दिया, और इस तरह इतना रख दिया ऐसा। तो ये बिल्कुल साथ साथ है, बिल्कुल साड़ी के बिल्कुल चिपका हुआ है पैर, तो इस तरह मैंने रख दिया। और ये करने के बाद, इतना करने के बाद, एक बार मैं यहाँ पे 19 पे आया, और 19 पे आके एफ6 कर देना, पूरा ऊपर से नीचे एफ6 कर देना फिर से, और पूरा पूरा बॉडी को उठा दिया, ये पूरा सिलेक्ट कर दिया अपर बॉडी को, और यहाँ पे भी मैंने ऊपर सॉरी हेड छूट गया था, तो इसको भी मैंने सिलेक्ट कर देना, हेड पे यहाँ पे की नहीं लगा तो यहाँ पे की लगा देना, और पूरा बॉडी को सिलेक्ट कर देना और ऊपर की ओर उठा देना, इतना उठा दिया, और यहाँ पे हेड को सिलेक्ट किया, सेम वही वाला चीज़ जो मैंने पहले भी सिखाया था आपको, थोड़ा सा ऊपर की ओर कर दिया। ऊपर की ओर करने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नीचे, क्योंकि ये तो अपना लूप में चलेगा ना, तो ये अपना लूप में चलेगा, ये और ये दोनों, ये पहले से ड्राइंग मुड़ चुका है। तो यहाँ पे अब आपको जब ये यहाँ से पैर ऊपर, ये पहले तो पैर आगे आगे जाएगा, तो मुझे ये आगे 14 पे 14 पे इसको पहले अंदर जाता हूँ, इसको यहाँ पे आगे 14 पे इसको पहले एक वाला ड्राइंग लगा देना, ये वाला, तो ये वाला लगा दिया ड्राइंग, बाहर आया
यहाँ पे देखोगे ये ड्राइंग यहाँ पे लग चुका है, इस तरह लग चुका है। और अब जब ये यहाँ से पैर, ये यहाँ से पैर ऊपर की ओर उठा रहा है, यहाँ पे लगभग मैंने यहाँ पे इसको 16 पे आकर ड्राइंग चेंज करना पिछले वाले पैर का। और ये जो पैर है, ये वाला पैर है, इसका मेरा मेरे को यहाँ पे थोड़ा ऊपर करके रखना है ऐसा, ठीक है, ऊपर कर दिया। और जो पिछला वाला पैर है इसको मैंने अंदर जाके 16 पे या 15 पे यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉर्मल की लगा देना, नॉर्मल वाला ड्राइंग लगा देना जो नीचे ज़मीन पे, ये वाला लगा दिया। और इसको यहाँ पे रोटेट भी कर देना है, थोड़ा ऊपर आया और यहाँ पे इसको इतना रोटेट कर दिया, इसको थोड़ा सा आगे ला दो सेंटर में, इतना रख लो और इसको ऊपर यहाँ पे रोटेट कर दो, ऐसा ऐसा रोटेट कर दो। तो ये इस तरह ऊपर की ओर उठाता है पैर, तो सेम यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे ये ऊपर की ओर उठा पैर यूँ, ऐसा उठने के बाद यहाँ पे ये 19 पे भी इस तरह हमने पैर को ऊपर उठा दिया, ठीक है, जितना हो सके उतना उठा दो। तो यहाँ से पैर यूँ उठ गया, जितना अंदर उठ सकता है उतना उठा दो। ये मैंने ऊपर उठाया पैर, वैसे ही मुझे 7 पे भी अगर लगता है तो 7 पे भी आप जितना उठाना चाहो ऊपर रख सकते हो ऐसा। और यहाँ से सीधा पैर यूँ उठा ऊपर की ओर ऐसा, और यहाँ पे सेम 19 पे भी हमने ऐसे ही इसको उठा दिया पीछे वाले पैर को, और ये पैर मैंने आगे ही रखा है। और जब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये यहाँ पे है पैर, और इसके बाद यहाँ पे आए तो पैर यहाँ पे, और ऐसे 19 पे भी है, बस थोड़ा सा पैर को इस तरह नीचे रखा। तो ये मैंने कर दिया, और ये करने के बाद जो अंदर है ना ये वाला, ये पूरा अपना शेप ट्यून में चल रहा है, ये बार बार आके वापस घूमता रहेगा। तो अभी इतना हो चुका है, या 19 पे लगा दिया। और अब जैसे ये हो गया, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पीछे जब आएगा, यहाँ पे पैर आएगा लगभग यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं यहीं पे बदल देता हूँ, लगभग यहाँ पे 23 पे। तो इसके अंदर चला गया लगभग 23 पे, इस वाले को ये वाला ड्राइंग चेंज कर दिया और बाहर आया, तो ये ड्राइंग यहाँ पे 23 पे ही चेंज हो गया ऐसा, इस तरह। तो ये ड्राइंग यहाँ पे 23 पे चेंज हो गया यहाँ पे। और मुझे अगर इसको थोड़ा सा नीचे करना है तो नीचे कर सकता हूँ ऐसा, तो यहाँ पे ये 23 पे चेंज हो गया। और वैसे ही मुझे जो आगे वाला वह है, ये भी मुझे यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ये वाला जो ड्राइंग है, पीछे वाला जो ड्राइंग है, ये मुझे 24 पे चेंज कर सकता हूँ पीछे वाले ड्राइंग को। इसके अंदर चला गया और इसको यहाँ पे 24 पे की लगाया, और की लगाने के बाद यहाँ पे लगभग यहाँ पे की लगाने के बाद इसको 24 या 25 पे भी कर दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, 25 पे कर लोगे, क्योंकि आगे भी अपना सेम किया 25 पे मैंने रखा हूँ। और बस मैंने यहाँ पे यूज़ फ्रेम करना है और इसको ये वाला ड्राइंग लगा देना है। अब बैक किया और वापस आऊँगा पीछे, तो अभी अपना ये वाला ड्राइंग हो चुका है यहाँ पे ऐसा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पैर बिल्कुल आगे ऐसा, तो ये आएगा इस तरह। तो मैंने सेम ड्राइंग रखा, अभी फर्स्ट में और लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे सेम ड्राइंग है। यहाँ पे मुझे बस एक बार देखना है, फर्स्ट में और ये यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा मुझे इस पर इस वाले पे मुझे फ़र्क लग रहा है, तो इसका देखोगे इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे और इस पर मुझे फ़र्क लग रहा है कुछ। तो यहाँ पे मुझे अब इसके अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे क्या गड़बड़ हुई है यहाँ पे, वो मुझे नोटिस करना है। तो यहाँ पे तो खाली इस ये वाला और ये वाले पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर इतने इसमें इसमें जर्क होगा तो सब में जर्क होगा, तो दोनों में ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस पे आता हूँ, यही वाले की को आगे उठाता हूँ, अगर कुछ जरक जुरक होता है तो सारा चीज़ हट जाएगा। अभी आप देखोगे फर्स्ट की और लास्ट की लगभग सेम है यहाँ पे, तो इतना हो गया, इतना मेरा यहाँ पे नॉर्मल इस तरह हो गया यहाँ पे, ये सिर्फ ये यहाँ पे नॉर्मल इस तरह हो रहा है। तो ये होने के बाद यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको पूरा सिंक्रोनाइज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो एक बार सिंक्रोनाइज तो होगा नहीं, बिकॉज अंदर जाके जो मेरा जो ड्राइंग है मेरा इतना ही ड्राइंग है पूरा। तो अभी मैं बाहर आता हूँ प्रॉपर, और मेरा यहाँ पे देखना फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट,
थोड़ा सा इसमें फ़र्क लग रहा है पीछे अंदर, तो यहाँ पे देखोगे मेरे यहाँ पे आ रहा है 13 पे आ रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद ये कितने पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली मैं पहले बैक करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 7 पे है, और अंदर गया तो 7 पे है, और यहाँ पे आया सबको मतलब जब जहाँ पे जर्क होता है इसको देख लेना, 13 पे है कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे आया 19 पे, और यहाँ पे बस मुझे इसके अंदर आके ये यहाँ पे हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्लिक किया और इस पर क्लिक किया तो ठीक है, यहाँ पे बस इतना सा है। तो यहाँ पे मुझे अगर करना है तो ये वाले को मुझे यहाँ पे 13 कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा वापस ऐसा। तो ये जो की है और ये फर्स्ट की है ये मैच हो जाएगा नॉर्मली अगर जर्क है तो। अपने हमने कितना किया अभी, नॉर्मल से इतना सा एडमिशन कर दिया ऐसा, ठीक है। तो जब आप बाहर आओगे एक बार यहाँ पे देखोगे एडमिशन कैसा हुआ है, बस इतना सा करना है यहाँ पे जो शेप ट्विन है ना इसके साथ आपको खेलना होगा प्रॉपर तरीके से। तो जो एडमिशन हुआ है एक बार चेक करते हैं कैसा हुआ है, तो इस तरह एडमिशन हुआ है आपका। ठीक है, जो नीचे जो पैर का है ना, पैर का बस आप एक चीज़ नोटिस करके रखना कि जब भी आप पैर का करोगे एनिमेशन तो आपको बस उसको मास्क के साथ सही करना, मतलब पैर का मतलब पूरा कह रहा हूँ ये चीज़ें, इसका मतलब मास्क सही करना आपने बस खाली। इसके अंदर जाता हूँ मैं तो यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे आ रहा है यूँ, इसके बाद यहाँ इस पर आ रहा है, तो आपको बस अगर ये कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ना तो उसको ठीक कर देना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर जाना है, इसको मैं थोड़ा सा अंदर ही कर दिया तो ये इस तरह होगा। तो अब मैं बाहर आता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको तो पीछे रख लेता हूँ ये पूरा लाइन कुछ पाने के लिए, और इसके ऊपर तो वैसे भी ड्राइंग है तो ये यहाँ से इस तरह होगा। तो ये अभी छुप चुका है पूरा प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो मैं बाहर आता हूँ, अभी ये यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे टूटा टूटा जैसा लग रहा था, तो अभी इस तरह एनिमेशन होगा यहाँ पे। तो देखो कि पूरा साड़ी का वॉक भी हो रहा है, सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है। बट अगर आपको यहाँ से जो ये वाले पोज में अगर इसको ऐसा दिखाना है यहाँ पे मुड़ी है, तो बस इस वाले को शेप अंदर जाके इस वाले शेप को चेंज करना है, बस यहाँ पे ये वाला शेप को चेंज करना है, ऊपर की ओर रखना है जैसे कि इसको ऐसा मुड़ा हुआ दिखाना है ऐसा यूँ, लेकिन मैंने ऐसा नॉर्मल दिखाया तो ऐसे ही दिखा देना। तो यहाँ पे बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेडीज़ यहाँ पे वॉक कर रही है, प्रॉपर तरीके से वॉक दिख रहा है आपको। तो एक बार फिर से चलाता हूँ, इस तरह आपको प्रॉपर तरीके से वॉक दिख रहा है, पूरा एनिमेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस तरह तो बाकी जो आपका फेस का, फेस में भी आप थोड़ा बहुत एनिमेशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। यहाँ पे तो यहाँ पे आप नॉर्मली तो इसके अंदर जाओगे, पर यहाँ पे तो देखो पहले ये ज़रूर देखना होगा ये क्या, ये सिंगल फ्रेम है तो मैं अभी इसके अंदर फेस नहीं कर सकता, ऊपर नीचे करना बस फेस अंदर जाके। मुझे इसको लूप में रखना था तो मुझे लूप में मैंने रखा नहीं है, वरना एनिमेशन में यहाँ पे फेस में आप ऊपर नीचे दिखा सकते हो। फिर भी चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसके अंदर जाने पहले इसको लूप में करता हूँ, जितने भी चीज़ें सबको लूप में करता हूँ। अगर आपने सिंगल फ्रेम कर दिया ना फिर आपको लूप में करके रखना होता है। यहाँ पर आया, इसको मैंने लूप कर दिया और इसको मैंने यहाँ पर आके 7 कर दिया, 7 कर दिया, और यहाँ पर आया और दूसरा यहाँ पे आके लूप कर दिया और यहाँ पे इसको 1-3 कर दिया, और इसके बाद ये शायद अंदर पूरा लिप पूरा फेस का एनिमेशन हुआ है इसलिए मैंने ये लूप रखा था, प्ले सिंगल फ्रेम रखा था, और इसको 1-9 कर देना। सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते यहाँ पे बिकॉज पहले से सिंगल फ्रेम था, तो यहाँ पे मैंने इसको लूप कर देना ऐसा एक एक करके कर देना, और यहाँ पे 25 कर देना। और अंदर जाके तो पहले तो मैं इसका आइज़ को यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखता हूँ, मुझे आइज़ नहीं चाहिए अभी और ना तो मुझे लिप्स चाहिए, तो लिप्स को भी मैं यहाँ पे सिंगल फ्रेम रखता हूँ। तो इस तरह मेरा यहाँ पे एनिमेशन ये प्रॉपर हो चुका है इतना। अब मैं नॉर्मली क्या करूँगा, जब ये यहाँ से नीचे आएगा ऐसा ऊपर जाएगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा और बाकी नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या करना, खाली ऊपर से लेकर नीचे तक F6 कर देना यहाँ पे, और आगे यहाँ पे लगभग 13 पे F6 कर देना, सबको यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देना यहाँ पे, और ये ऊपर वाले को हटा दो। और यहाँ पे मैंने जो मैंने मतलब ऊपर लिया था ये मैंने
कुछ ऐसा ड्राइंग लिया था, बस सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है जो जो पार्ट है अंदर। और यहाँ पे भी देखोगे तो जो इसका बिंदी है वो बिल्कुल इसी इसी में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको उसको भी अलग करना है। तो मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। ये सब आपको रिग के टाइम देखना होता है, मतलब कि अगर ये फेस के अंदर है ना बिंदी, तो उसको अलग करना है। कंट्रोल बी कर दिया और इसको यहाँ पे कंट्रोल एक्स कर दिया, कंट्रोल बी करने के बाद और यहाँ पे आया पेस्टिंग प्लेस कर दिया और इसको अलग से बिंदी को भी ले लिया और बाकी तो है ही है। तो अब जाके आप साथ में दोबारा की लगा दो, 7 पे की लगा दिया, ये वाला अपना एक्स्ट्रा लेयर इसको हटा दिया था और यहाँ पे भी की लगा दिया। अब जाके मैंने यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे दिया और यहाँ पे फेस पे मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया ऐसा, जैसे ये है तो इसको यहाँ से ऊपर कर दिया ऐसा, ये पहले से ऊपर है यहाँ पे। तो नॉर्मली जो फर्स्ट की है ना, फर्स्ट में आता हूँ, फर्स्ट में मैं नीचे करता हूँ मामूली सा नीचे करता हूँ और यहाँ पे थोड़ा कान को ऊपर करता हूँ और ये फर्स्ट की को यहाँ से उठा के ऑल्ट के साथ आगे लाता हूँ और आगे आने के बाद इसको रिमूव कर देता हूँ और बाकी इससे आगे मैं हटा देता हूँ ताकि ये नॉर्मल ये ऊपर नीचे यहाँ पे, ये मैंने इतना कर दिया यहाँ पे, ये नीचे की ओर किया हूँ और यहाँ पे बीच में आके इसको मैंने ऊपर की ओर करना है ऐसा, इसको ऊपर की ओर किया और कान अपना ऊपर नीचे हो ही गया ऐसा, नॉर्मल से ऊपर नीचे किया। मैं बाहर आता हूँ तो बाहर आपको दिखेगा फेस में भी काम, थोड़ा फेस में दिख रहा ना एनिमेशन, तो यहाँ पे पूरा एनिमेशन दिख रहा है फेस में इस तरह। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, आप बाहर देखोगे प्रॉपर किस तरह एनिमेशन हुआ है। तो कोई भी डाउट रहता तो कमेंट करना, कमेंट में मुझे बताना कि किस तरह एनिमेशन हुआ। मैंने कि आपको यहाँ पे जो नीचे जो शेप ट्यून में काम करना होता है ना वो मैन होता है, तो इस तरह एनिमेशन हो जाता है प्रॉपर तरीके से। किस तरह हुआ यहाँ पे फेस पे भी एनिमेशन दिख रहा है, आप देखोगे फेस में भी एनिमेशन दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। बाकी यहाँ पे स्लो चल रहा है, तो कोई डाउट रहता तो मुझसे पूछना, नीचे जो शेप ट्यून है उसके साथ ही काम मतलब यहाँ पर किया हूँ। तो यहाँ पर देखोगे जो मेरा MP4 है उस पर आपको प्रॉपर यहाँ पर दिखेगा वॉक कैसे हुआ है। तो ये पूरा का पूरा वॉक इस तरह, मैं MP4 निकालूंगा तो इस तरह दिखेगा यहाँ पे वॉक होते हुए। तो कुछ नहीं किया, बस शेप ट्यून के साथ काम किया हूँ। और बाकी कोई डाउट रहता तो मुझसे मतलब कमेंट में पूछना। एक बार आप ये वाला वॉक कीजिए, उसके बाद आपको मतलब मैं और भी दूसरे टाइप का वॉक सिखाऊंगा इसमें। और इसमें बस ये ध्यान देना, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रोक है ना, ये जो कलर स्ट्रोक रख लो, लाइन रख लो, इसको भी आप एनिमेट कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एनिमेट नहीं किया हूँ। ये सिंपल तरीके से सिखाया हूँ और सिंपल तरीके से दिखेगा आपको कि साड़ी किस तरह मुड़ रही है, किस तरह काम कर रही है। बस आपको यहाँ पे इस तरह यहाँ पे दिखाना होता है यहाँ पे। तो मैंने नॉर्मली मैंने इस तरह वॉक बना दिया, आप भी इस तरह वॉक कर सकते हो। और कोई डाउट रहता तो कॉमेंट करना, ठीक है।